वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं विभावरी दीक्षित। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कहीं भी और कभी भी विवाद करा सकता है, दंगे भड़का सकता है और लोगों में मनमुटाव करा सकता है। इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक फॉर्मेट है ट्विटर। 140 शब्दों की ऐसी मारक दुनिया जहां बातों से बड़े बड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं, कई लोग ट्रोल होते हैं तो कई ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाते हैं। इसी ट्विटर पर कई बार फेक खबरों की वजह से भी विवाद हो चुका है। ऐसी ही फेक न्यूज से निपटने के लिए अब ट्विटर तैयार हो चुका है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि ट्विटर आखिर क्या क्या कदम उठा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कुछ दिनों में ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी जो भ्रम फैलाने या गलत जानकारी वाले ट्वीट को रीट्वीट करने पर यूजर को एक चेतावनी दिखाएगी। कंपनी ये सेवा 5 मार्च 2020 से शुरू करने जा रही है। दरअसल इसका मकसद उन जानकारियों को रोकना है जो जनता की सुरक्षा या मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का कहना है कि गुमराह करने वाले, फर्जी और मनगढ़ंत सूचनाएं देने वाले यूजर्स को आगाह किया जाएगा और ऐसे ट्वीट को डिलीट किया जाएगा। कंपनी ने अपने ब्लॉग में कहा है कि वो जल्द ही अपने मंच पर ट्वीट की लेबलिंग करने लगेगी, यानी भ्रमक या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई जानकारी की पहचान करेगी। साथ ही लोगों को गलत सूचना देने वाले ऐसे ट्वीट को हटाने का भी कदम उठाएगी। इसके अलावा भ्रामक जानकारी वाले ट्वीट को साझा करने से पहले यूजर को चेतावनी भी देगी। इसका मकसद गलत जानकारी का प्रसार रोकना है। भ्रामक जानकारियों के खिलाफ ट्विटर की ओर से इस तरह का कदम उठाने की घोषणा ऐसे समय की गई है जब दुनिया भर में सोशल मीडिया पर फर्जी या छेड़छाड़ की गई जानकारी, फर्जी वीडियो और उनके भयानक प्रभावों को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। दरअसल कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, किसी ट्वीट में साझा की गई मीडिया सामग्री यदि हमें फर्जी या छेड़छाड़ की हुई लगेगी तो हम उस ट्वीट पर इसकी संभावना के अतिरिक्त जानकारी भी देंगे। इसका मतलब ये है कि हम उस ट्वीट पर एक तरह का लेबल मतलब ठप्पा लगा सकते हैं। ऐसे ट्वीट को रीट्वीट करने या लाइक करने से पहले यूजर को चेतावनी दिखाई देगी। इसके अलावा नए नियमों के तहत हम ट्विटर पर इस तरह के ट्वीट की रीच कम करेंगे। ट्विटर ने अपने ब्लॉग में बताया कि किसी मीडिया या वीडियो के भ्रामक होने की जांच के लिए कंपनी ये देखेगी क्या उस वीडियो को इस तरह से एडिट किया गया है जिससे उसका मूल भाव बदल गया। इसके अलावा कंपनी वीडियो को नए फ्रेम में ढालने, ऊपर से आवाज डालने और सबटाइटल के संशोधित किए जाने की भी जांच करेगी। कंपनी ये भी देखेगी कि किसी व्यक्ति को दिखाने वाले वीडियो को बनाया गया है या उसे गढ़ा गया है। पिछले कुछ समय से ट्विटर फेक खबरों की वजह से काफी चर्चा में है। इसे रोकने के लिए सितंबर 2019 में कंपनी ने 6 देशों में 10,000 से ज्यादा अकाउंट बंद कर दिए। इनमें सऊद अल खातनी का ट्विटर अकाउंट भी शामिल है। खातनी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विश्वस्त माना जाता है। तो ये थी ट्विटर के नए फीचर की पूरी जानकारी। फेक न्यूज रोकने के लिए ट्विटर का ये प्लान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स पर। तकनीकी दुनिया से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।